व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मानव। आज मैंने एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि मैंने लिटरली बहुत ही ज्यादा टाइम बाद खरीदा है, जो कि है हमारा प्रोटीन पाउडर और कंपनी है हमारी फास्ट एंड अप। दोस्तों लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन खत्म भी हो गया, फिर दोबारा से लॉकडाउन लग गया, तो भैया जिम की तो हमारी ऐसी की तैसी हो गई है। आई थिंक अब 2 महीने हो गए हैं जिम को खुले हुए और मैं मोस्टली ऑलमोस्ट सारा टाइम जो है साल के प्रोटीन खाता हूँ, रोज का 1 या 2 स्कूप होता है। तो भैया जिम नहीं था तो प्रोटीन नहीं खाया, कुछ खास बॉडी नहीं फूली, साथ साथ कोविड भी हो गया था मुझे, तो और बची बुची जो बॉडी थी वो भी ढल गई। तो भैया सोचा कि अब टाइम आ गया है कि प्रोटीन खरीदा जाए, तो ये मैंने मंगाया है फास्ट एंड अप का प्रोटीन और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन है। अगर आप इसको अच्छे प्रोटीन से कंपेयर करें तो मैं ऑन से इसको कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे तो प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट उनके आसपास की ही है। तो अगर आप इसका 1 किलो का पैकेट देखेंगे तो वो आपको पड़ेगा 2200 से 2500 के बीच में। साथ ही साथ अगर आपको का और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए हो तो वीडियो में नीचे डिस्काउंट का लिंक है, आप उसको कॉपी करेंगे तो आपको 10% और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, अगर आपको ऑलरेडी कंपनी की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा है, फास्ट एंड अप की वेबसाइट पर जाके आपको खरीदना पड़ेगा और फिर एंड में जाके जब आप मेरा कूपन कोड डालेंगे तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों ये वाला हमारा बॉक्स है, हमारा ऑलमोस्ट आधा किलो का बॉक्स है और इसके अंदर है हमारी 15 सर्विंग। तो ये इसके अंदर हमें मिलता है 25 ग्राम का प्रोटीन और 5.5 ग्राम का BCAA और 4 ग्राम का ग्लूटामाइन, और सर्विंग अगर हम देखें तो इसकी हमें मिलती है 32 ग्राम की अप्रॉक्सीमेट होती है। तो कई लोग भैया ऐसे करते हैं कि जी 4+5+6 जी ये तो 33.5 ग्राम हो गया, ये तो आपका पागल बना रहे हैं। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, 1/2 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है, मेरी कई सारी वीडियोस में ऐसा ही हुआ है। तो ये वाला अगर आपको पैकेट चाहिए हो तो ये आपको पड़ेगा 900 रुपये का, वैसे इसकी MRP है 1500 रुपये के आसपास, साथ साथ अगर आप और ज़्यादा डिस्काउंट लगाएंगे तो आपको 900 के आसपास पड़ जाएगा और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें मिलता है ग्रास फेड प्रोटीन जो कि यूरोप से मंगाया जाता है। ग्रास फेड क्या होता है, तो जो जैसे हमारा प्रोटीन जो होता है वो हमें मिलता है दूध से, तो दूध कहाँ से आता है, हमारे गाय और भैंसों से ही आता है। जो यूरोप के अंदर जहाँ पे इनका प्लांट है वहाँ से जो इनकी गायों को खिलाया जाता है, खाली अच्छी क्वालिटी की घास उनको खिलाई जाती है ताकि वो बेटर दूध दे पाए और जो भी उनके प्रोडक्ट्स उनसे बनते हैं और भी ज्यादा वो बेटर बन पाए। तो दोस्तों आइए इसको खोल के देखते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हमारा जो फ्लेवर है वो है रिच चॉकलेट, और भी कई सारे फ्लेवर आते हैं, मैंगो आता है, कॉफी आता है, वेनिला आता है, तो आपको जोन सा भी पसंद हो आप वो वाला प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर हमें मिलता है यहाँ पे स्क्रैच का कोड, अगर मैं इसको स्क्रैच करूँगा तो आप जो है इसका बार कोड जो है यहाँ पे अच्छे से स्कैन कर सकते हैं और प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी आप जो है चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ कई लोगों का एक्सपायरी का भी पूछना होता है कि कितनी इसकी एक्सपायरी होती है, तो वो हमारी होती है इस प्रोडक्ट के अंदर 1.5 साल की, कुछ प्रोडक्ट में ऊपर नीचे हो सकती है, तो आपका अच्छा खासा लंबा टाइम चल जाता है। वैसे तो प्रोटीन आपका महीने भर के अंदर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो सही, इसको खोल के देखते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो ये हमने डब्बा खोला, आप देखेंगे ये वाला सील है, एक मैं ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका हूँ 1 किलो का पैकेट और इफ़ेक्ट्स काफ़ी बेटर थे। यूजुअली जो है मैं हर कंपनी के प्रोटीन में ऑलमोस्ट नई नई कंपनी जो आती हैं अमेज़ॉन पे उनकी रेटिंग मैं देखता हूँ अच्छी खासी होती है तो मैं उनको मंगाता हूँ, इसकी भी काफ़ी अच्छी रेटिंग है तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग अमेज़ॉन के ऊपर भरोसा होता है तो वहाँ भी आप जाके लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं तो आपको और ज़्यादा भरोसा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमें ऐसी इसके अंदर सील मिलती है और एकदम टाइट सील, ऐसा नहीं है कि कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, इसको मुझे आई थिंक नाइफ से ही खोलना पड़ेगा, ऐसे हाथ से नहीं खुलेगी। तो आइए मैं नाइफ लाता हूँ, तो आइए इसको खोल के देखते हैं ताकि जिन लोगों ने पहली बार ये प्रोडक्ट खरीदा है उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट की जो है जानकारी हो जाए, क्योंकि फेक प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप इसको खोलेंगे तो ये देखिए आपको ऐसा आपको कलर मिलेगा, साथ ही साथ मैं इसको स्कूप ढूंढने की कोशिश करता हूँ क्योंकि स्कूप ढूंढना बहुत मुश्किल होता है प्रोटीन डब्बे के अंदर। तो ये रहा हमारा प्रोटीन का इसका स्कूप, और जो कि हमारा
32 ग्राम का है। आइए इसको मैं अब थोड़ा गिलास में डाल के पी के देखता हूँ, आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं। तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट और बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है एकदम बारीक पाउडर की तरह है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो पानी के अंदर या दूध के अंदर जिसके अंदर भी आप लेते हैं वो आपका आसानी से मिल जाएगा। तो प्रोटीन के अंदर यही खास बात होनी चाहिए कि जल्दी से पानी के अंदर और जो भी लिक्विड के अंदर आप मिलाएं वो मिल जाना चाहिए। आइए इसको पी के देखते हैं। तो आइए इसके अंदर मैं थोड़ा पानी मिलाता हूँ और देखते हैं ये कैसे मिलता है, क्या ये बिना चम्मच के घुमाए मिल जाता है कि नहीं। और आप ये देख ही सकते हैं पूरा जो है डिजॉल्व हो गया है, जो कि प्रोटीन की खास बात यही होती है। वरना कुछ प्रोटीन जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लम्स आ जाते हैं, फिर लगता है कि वो प्रोटीन में कोई नकली है या प्रोटीन खराब है या एक्सपायर हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है या डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो ये जो है हमारा प्रोटीन जो है चॉकलेट का जो है वो कलर आ रहा है। आइए मैं इसको पी के देखता हूँ। तो रिच चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है और काफी अच्छा फ्लेवर है। ऐसा नहीं है कि प्योर आपको चॉकलेट पीने को मिल रही है, कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मीठा लगता है, कुछ प्रोटीन ऐसे आते हैं मैंने ऐसे भी टेस्ट करे हैं बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं, तो ऐसा लगता है उनके अंदर आर्टिफिशियल शुगर मिला रखी है जिससे आपको बॉडी में आपको नुकसान भी हो सकता है। साथ ही साथ प्रोटीन आप किसी के अंदर भी पी सकते हैं, मैं मोस्टली पानी के अंदर पीता हूँ। अगर किसी को अपना बॉडी अगर ग्रो करनी है थोड़ी फुलानी है तो वो आप जो है दूध के अंदर शेक के अंदर स्मूदीज के अंदर आप किसी भी साथ साथ जो है ब्रेकफास्ट के अंदर अपने नाश्ते के अंदर भी मिला के ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा आपका प्रोटीन का असर जो है वो ज़्यादा होगा। साथ साथ अगर आपको और भी चाहिए तो साथ में आप केला वगैरह भी मिला सकते हैं, पीनट बटर मिला सकते हैं, तो आपका बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन डाइट हो जाती है। एक ही बारी में अगर आपका पेट भर जाएगा आपको पूरा जो है नाश्ता या लंच आपको पूरा आप स्किप कर सकते हैं अगर आप अच्छे से अपनी जो है प्रोटीन का शेक बनाएं। तो दोस्तों ये था हमारा फास्ट एंड अप का प्रोटीन और काफ़ी अच्छा प्रोटीन है, मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो वीडियो नीचे लिंक है, वहाँ पे आप अपना कूपन कोड डालेंगे वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ कौन कौन लोग ये ले सकते हैं, आई थिंक जो जेनरली जिम के फ्रीक्स हैं वो भी इस वाले प्रोटीन को ट्राई कर सकते हैं, आपको मेरे हिसाब से कोई भी निराशा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।